मेरे ये गुब्बारा पकड़ा मैंने, देख बैलून फिश। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो हम पहुँच गए, आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक है। और यार जाल आज नहीं लाए तो हम लोग आज गड्डी जी को चारा निकाल रहे हैं, तो मैंने मछली उठा ली, इसमें से चारा निकालना है, फिर उसके बाद जाएंगे शिकार करने आगे समंदर पे। भाई तो अभी हम लोग ना अस्सलाम वालेकुम ये चारा ढूंढने गड्डी जी का, तो अभी हमें मिल गया। इसमें हमने देखो जमा किया हुआ है ये मछली को पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी आज ईद का दूसरा दिन है, हम नेट जो लाते हैं ना वो भूल गए फिशिंग के लिए, तो आज हमने यही चारा पकड़ के इसी के ऊपर करना है फिर। तो लगे मैं देखूँ, जेब भी लगा मैं भी लगाऊँ। हाँ भाई कहाँ है शिकार भाई, ये पानी वाला हुआ मेरे पीछे खड़ा हो जाए। मेरे ये गुब्बारा पकड़ा है मैंने, देख बैलून फिश। हेलो व्यूअर्स, तो मैं भाई दो दरिया में आया हूँ, इस पानी में नहा रहा हूँ, मैंने फिशिंग कर ली और यकीन करें इतना एंजॉय कर रहा हूँ मैं। मतलब जब पूरे दिन की थकावट थी ना, मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ, 8:30 बजे से मैं फिशिंग स्टार्ट की है और अब मैं इस पानी को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं क्या होता आपको, जो मेरी थकावट थी ना पूरे दिन की, वो ख़त्म हो गई है। और मैं आपको अपने वीडियो की लास्ट में दिखाऊँगा कि आज मैंने कितनी मछली फिशिंग की, और मैंने नेट फिशिंग भी की, मैंने नहीं मेरे पार्टनर ने जो मेरे साथ दिया था, तो बड़ा मज़ा आया करना है। मैं आज ईद का दूसरा दिन, देखो मेरे ये देखो सबको, हाय करो हाय करो, एंजॉय करने के लिए आ जाए, ये उनको भी दिखाओ एंजॉय करने आए सारे। कसम ने वो तो इस पानी में ना एंजॉय करने का मज़ा रहा। अगर आप पानी से बाहर खड़े हो ना तो फिर बेकार है आने का आपका यहाँ पर। यहाँ पर आओ तो एक डुबकी लगा के जाओ, देखिए इनको क्या कर रहे भाई, इसने डुबकी लगाई थी, कपड़े इसके भी तो गीले हो रहे हैं। जैब शिकारी जाल मारते हैं, लोग आए हैं अचानक, लोग आए नहीं।